हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वाटर एंड वेस्ट वाटर का क्लोराइड टेस्ट है। दोस्तों आपको पता है जो वाटर एटीपी एसटीपी का जो ईटीपी का जो वाटर होता है उसके अंदर जो क्लोराइड होता है वो सीएल आयन क्लोराइड आयन के रूप में प्रेजेंट होता है। आज हम इसको डिटरमाइन करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो क्लोराइड टेस्ट हम लोगों को करना होता है तो इसके लिए हम लोगों को कौन कौन से केमिकल यूज़ करना होता है। आप देख रहे हैं यह है सिल्वर नाइट्रेट, इसका केमिकल फार्मूला है AgNO3। जो सिल्वर नाइट्रेट होता है ये टाइट्रेंट है, हम लोगों को इसको सिल्वर नाइट्रेट से टाइट्रेट करना होता है। अगर हम लोग इसको प्रिपेयर करने की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को 2.395 ग्राम AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट लेना है और इसको 1000 ml एक लीटर के अंदर डिजोल्व कर देना है। अगर इसके नॉर्मलिटी की बात करें तो ये 0.0141 नॉर्मलिटी का केमिकल होता है। सेकंड नंबर पे है पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर, दोस्तों पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर जो होता है इसको हम लोगों को टाइट्रेशन से पहले यूज करना होता है। इसको हम लोग 0.5 ml जो हम लोगों का सैंपल होता है ब्लैंक सैंपल या फिर जो हम लोगों का सैंपल जिसका हम लोगों को क्लोराइड टेस्ट करना होता है उसके अंदर हम लोगों को 0.5 ml इसको 0.5 ml इसको डालना है। दोस्तों इसका केमिकल फार्मूला है K2CrO4। थर्ड नंबर पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोस्तों मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखा है। इसका हम लोगों को क्या यूज़ करना है, हम लोगों को इसका pH जो हम लोगों का जो सैंपल होता है इसका हम लोगों को pH 7 से 9.5 रखना है। pH एडजस्ट करने के लिए हम लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होगा। ऐसा ही मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखा है। सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोगों को क्या यूज होगा, जब इसका pH हम लोगों को एडजस्ट करना होगा उस टाइम पे सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोगों को यूज होगा। साइड में आप देखें ये ग्लासवेयर रखे हुए हैं, ग्लासवेयर में हम लोगों को 50 ml का ग्लास सिलेंडर और 100 ml का ग्लास सिलेंडर यूज होगा। और ये आप देख रहे हैं 250 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ये हम लोगों का डिस्टिल वाटर रखा हुआ है जो हम लोगों को ब्लैंक सैंपल और डाइल्यूशन फैक्टर लगाने में इसका यूज करना होगा। इधर आप देख रहे हैं हम लोगों को पिपेट का यूज होगा, हम लोगों को 10 ml 5 ml का पिपेट यहाँ से हम लोगों को यूज करना है। ये आप देख रहे हैं ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट का यूज हम लोगों को टाइट्रेशन करने के लिए यूज करना होगा। और अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों के पास डिजिटल pH मीटर है, हम लोगों को इसका जो pH है वो 7 से 9.5 रखना है। इसका pH चेक करने के लिए pH मीटर का हम लोगों को यूज होगा। और मेन है हम लोगों का सैंपल जिसका हम लोगों को क्लोराइड चेक करना है। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ब्लैंक सैंपल कलेक्ट करता हूँ। दोस्तों ये देखिए हम लोग 50 ml डिस्टिल वाटर ले रहे हैं, ये 50 ml डिस्टिल वाटर हो गया है। 50 ml मैंने ब्लैंक लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने इसको लिया है। सेकंड नंबर पे मुझे क्या करना है, 50 ml ईटीपी का सैंपल लेना है। दोस्तों जब हम लोग ईटीपी का सैंपल हम लोग लेंगे तो इसके अंदर हम लोग डाइल्यूशन फैक्टर लगाएंगे। डाइल्यूशन फैक्टर लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10% डाइल्यूशन फैक्टर अभी लगाने वाले हैं। 10% डाइल्यूशन फैक्टर लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, पिपेट लेना है और इसके अंदर से 10 ml क्या करना है, सैंपल लेना है। अभी मैं आपको सैंपल लेके बता रहा हूँ। इस तरीके से रबड़ बल्ब की सहायता से आप लोग पिपेट के अंदर सैंपल लेंगे और क्या करेंगे, इसको इधर से जाके हम लोगों को इसको 0 पे सेट करना रहेगा। 0 पे ले जाके इसको बंद करना है। दोस्तों इस टाइप के आप रबड़ हैंड ग्लव्स पहनते हैं तो आपको थोड़ा सा सैंपल एडजस्ट करने में दिक्कत आएगा। ये हम लोगों का 0 हो गया है।
मैंने क्या किया है, 10 ml डाइल्यूशन फैक्टर लगाने के लिए मैंने 100 ml के ग्लास सिलेंडर के अंदर सैंपल को डाला हुआ है। ये आप देखिए, ये मेरा 10 ml सैंपल हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको 100 ml तक ऊपर इसको मैं फुल भर दूंगा। अगर आपको डाइल्यूशन फैक्टर लगाना है तो आपको यही मेथड यूज करनी होगी, क्योंकि डाइल्यूशन फैक्टर लगाने के लिए ओनली वन यही मेथड यूज होती है। ये आप देखिए, हम लोगों ने इसको 100 ml तक भर दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 50 ml सैंपल लेंगे। अभी आप देख रहे हैं, मैं ग्लास सिलेंडर के अंदर इसको डाल रहा हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, इसको एक बार मिक्स करूँगा, क्योंकि क्या है कि हम लोगों ने जो सैंपल लिया, हो सकता है कि नीचे सेटल हो गया हो। एक बार मैंने इसको डाल दिया है, एक बार मैं इसको और इसी टाइप से मिक्स करूँगा। दोस्तों, अगर आपको एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट लाना है तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। देखिए, मैंने 50 ml सैंपल ले लिया है। मैं 50 ml सैंपल UTP आउटलेट का मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया था, उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है। तो अभी हम लोगों का क्या कंप्लीट हो गया है, जो सैंपल कलेक्ट करने वाला काम था वो हम लोगों का हो गया है। हम लोगों ने 50 ml सैंपल ब्लैंक का, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्टिल वाटर डाला है, और ये है हम लोगों का ATP आउटलेट का सैंपल। हम लोग लिए हैं 50 ml, इसके अंदर 10% डाइल्यूशन फैक्टर लगा हुआ है। आइए हम लोग इसका pH चेक करते हैं। दोस्तों, हम लोगों का इसका pH कितना रखना है, हम लोगों को इसका pH 7 से 9.5 होना चाहिए। अभी मैं इसको इसके अंदर डिप कर रहा हूँ। आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, इसका pH वहाँ पे शो हो रहा है। दोस्तों, इसका pH आ रहा है 7.0 या फिर 7.01 के समथिंग इसका pH आ रहा है। इसका हम लोगों को pH एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका pH हम लोगों को 7 से 9.5 रखना है। इसका pH अभी आ रहा है। ये है हम लोगों का ब्लैंक, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्टिल वाटर डाला हुआ है। अभी इसका pH आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है। आप देखें, जो हम लोगों का डिस्टिल वाटर या DM वाटर होता है, उसका pH करीब 6.5 से 7 के समथिंग होता है। मतलब इसका pH 7 से थोड़ा कम ही होता है। हम लोगों को क्या करना है, इसका pH एडजस्ट करना होगा। आइए हम लोग इसका pH एडजस्ट करते हैं। हम लोगों को इसका pH बढ़ाना होगा। हम लोग इसका pH बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर मतलब करीब 1 drop के समथिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हम लोगों ने कास्टिक का सॉल्यूशन बना के रखा है, इसको हम लोगों को इसके अंदर ऐड करना है। दोस्तों, अगर इसका pH इसका या फिर इसका pH हम लोगों का अगर 9.5 से ऊपर आ रहा होता, तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर ऐड करते हैं। अभी हम लोगों का pH 7 से कम आया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 drop ऐड करेंगे। दोस्तों, मुझे थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही इसके अंदर लेता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा डल गया तो मेरा pH बढ़ सकता है। ये देखिए, मैं इसके अंदर मुश्किल से 1 drop अभी आ नहीं रहा इसमें। देखिए, मुझे 1 drop डालना है, ये 1 drop मेरा डल गया है। अभी मैं देखूंगा, मतलब मुझे 0.4 या 0.5 इसका pH बढ़ाना था। मैंने इसके अंदर 1 drop डाला हुआ है, मैंने इसको अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। अभी हम लोग इसका pH चेक करते हैं। दोस्तों, आप देखिए pH मीटर के डिस्प्ले पे इसका pH अभी 8.0, 10, 13, 116 अभी कांस्टेंट नहीं हुआ है। मतलब हम लोग इसको pH मान सकते हैं कि 1.25, 26,
समथिंग इसका पीएच आ रहा है, मतलब हम लोगों को 7 से 9.5 रखना था, अभी इसका पीएच हम लोगों का एडजस्ट हो गया है। हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को वाश करके रख देंगे। और अभी ये हम लोगों का जो सैंपल है ये क्लोराइड चेक करने के लिए रेडी है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड इंडिकेटर यूज करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम लोगों को 0.5 ml पोटेशियम क्रोमेट ऐड करना होगा इसका टाइट्रेशन से पहले। हम लोग इसके अंदर 0.5 ml कैसे ऐड करेंगे, हम लोग इसके अंदर 4 से 5 ड्रॉप डालेंगे। हम लोग इसके अंदर 4 से 5 ड्रॉप पोटेशियम क्रोमेट ऐड कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हम लोगों ने इसके अंदर 5 ड्रॉप पोटेशियम क्रोमेट यूज किया है, इंडिकेटर ऐड किया है और इसको हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लोगों को फाइनली इसका टाइट्रेशन करना होगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ब्लैंक सैंपल को टाइट्रेट करेंगे और जो हम लोगों का सिल्वर नाइट्रेट, ये आप देखिए जो हम लोगों का सिल्वर नाइट्रेट है, हम लोगों ने इसके अंदर पहले से ही 50 ml भर के रखा हुआ है ब्यूरेट के अंदर। अभी हम लोग इससे टाइट्रेशन शुरू करेंगे। दोस्तों मैं रीडिंग लिखने के लिए इस टाइप से लिया हूँ, तो दोस्तों इस टाइप से मैं रजिस्टर के अंदर इसका फॉर्मेट बना रहा हूँ। हमको क्या करना है, पहले ब्लैंक रीडिंग लिखना है और दूसरा हम लोगों को क्या करना है, जीरो रीडिंग लिखना है किसका, सैंपल का। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लैंक सैंपल को टाइट्रेट करेंगे। दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर कलर कैसा होगा, इसका जो कलर है वो रेड ब्राउन होगा, मतलब रेड और हम लोगों को ब्राउन कलर, थोड़ा सा मिल्की कलर दिखाई देगा। उस पॉइंट पे हम लोगों को क्या करना है, इसको बंद करना है और इसका रीडिंग नोट करना है। सिल्वर नाइट्रेट मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, जो ब्लैंक की रीडिंग रहती है वो तो हम लोगों की बहुत कमी आती है इसके अंदर। 1 ड्रॉप में इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। अभी आप देखें इस टाइप से हम लोगों का रेड ब्राउन कलर आ गया है, ये देखिए दोस्तों। रेड ब्राउन कलर आने तक आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है। अभी आप इसका रीडिंग देखिए ऊपर, इसका रीडिंग कितना आ रहा है, इसका रीडिंग हम लोगों का आ रहा है 1.3। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1.3 इसका रीडिंग लिख देंगे। हम लोगों ने 1.3 इसका रीडिंग लिख दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो मेन सैंपल है एटीवी आउटलेट का, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। आप देखिए अभी जो इसका कलर है ये हल्का सा लाइट ग्रीन येलो हम लोगों को दिख रहा है, अभी कलर चेंज होने वाला है। अब देखिए रेड ब्राउन कलर हम लोगों का आना चाहिए, थोड़ा सा एक दो ड्रॉप में वो डाल देता हूँ इसके अंदर। ये देखिए ये रेड ब्राउन रेड मिल्की कलर हम लोगों का आ गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका रीडिंग नोट करेंगे। दोस्तों अभी जो इसका रीडिंग है वो रीडिंग हम लोगों का आ रहा है 4.8 इसका रीडिंग आ रहा है। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 4.8 रीडिंग इसका अभी नोट करते हैं। 4.8 जो इसका रीडिंग आया है उसमें से हम लोगों को 1.3 माइनस करना है,
तो 4.3 माइनस, सॉरी 4.8 रीडिंग हम लोगों का आया था, 4.8 माइनस 1.3, तो हम लोगों का इसका एक्चुअल रीडिंग क्या आ गया, 3.5। दोस्तों हम लोगों का जो ब्लैंक था उसका रीडिंग हम लोगों का आया था 1.3, और जो हम लोगों का ये जो सैंपल है इसका ब्यूरेट रीडिंग कितना आया है, 3.5। अब लोग इसको क्या करेंगे, इसके इसमें हम लोग जो फॉर्मूला है वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, a माइनस बी इंटू नॉर्मलिटी इंटू 35,450। इसको डिवाइडेड बाय करेंगे ml ऑफ सैंपल से, और इसके अंदर अगर हम लोगों ने डाइल्यूशन फैक्टर लगाया है तो यहाँ पे डाइल्यूशन फैक्टर हम लोगों को लगाना है। दोस्तों जो a है ये क्या है, मैं आपको इधर लिख के बता रहा हूँ। दोस्तों ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का सैंपल रीडिंग है, सैंपल रीडिंग मतलब ATP आउटलेट की, और B क्या है, ब्लैंक रीडिंग। दोस्तों हम लोग इसको पुट कर देते हैं, ये मतलब सैंपल रीडिंग हम लोगों की कितनी आई थी, 3.5 माइनस ब्लैंक रीडिंग कितनी है, 1.3। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या है, सिल्वर नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट की नॉर्मलिटी है 0.0141 इंटू फॉर्मूले क्या कहता है, 35,450। फिर वापस हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है डाइल्यूशन फैक्टर, मैंने आपको बताया था डाइल्यूशन फैक्टर हम लोगों ने 10 लिया था, और हम लोग इसको ml ऑफ सैंपल से डिवाइडेड करेंगे। हम लोगों ने कितने ml सैंपल लिया था, हम लोगों ने 50 ml सैंपल लिया था। हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों 3.5 माइनस 1.3 तो ये कितना हो गया, 2.2 इंटू 0.0141 इंटू 35,450 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50 ml। आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, 2.2 इंटू 0.0141 इंटू 35,450 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50, ये हम लोगों का कितना आ रहा है क्लोराइड, 219 मिलीग्राम पर लीटर। तो दोस्तों आपने ये जाना है कि हम लोग ATP का जो पानी होता है उसका हम लोगों को क्लोराइड चेक कैसे करना है। मैंने दोस्तों आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम लोगों को कैसे सैंपल लेना है, कौन कौन से केमिकल इसमें यूज होते हैं, ग्लासवेयर क्या लेना है, क्या इंस्ट्रूमेंट लगना है, कैसे इसको टाइट्रेट करना है, और अभी हम लोगों को लास्ट में आपको मैंने बताया है कि हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम होता है वो कैलकुलेशन का ही होता है, क्योंकि लोगों को इसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है। मैंने आपको एंडिंग में इसका पूरा कैलकुलेशन भी बता दिया है। दोस्तों मैंने ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से डाला है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको मेरे वीडियो देखने से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड आपको ATP STP से रिलेटेड, वाटर एंड वेस्ट वाटर से रिलेटेड, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। Thank you.